सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश में नई खेल नीति लाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस सिलसिले में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जल्द हिमाचल प्रदेश के खेल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ी के ऊपर प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ये स्टेडियम समुन्तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर होगा। खेल नीति बिल्कुल तैयार है और कोविड की वजह से इसमें काफ़ी परेशानी आई है, जिसको हमने लॉन्च करना ठीक नहीं समझा है कि एक तरफ प्रदेश कोविड से लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ हम खेल नीति को लेकर आते, पर हमने बड़ा बोल्डली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को एक हब बनाने के लिए एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। और अब हम ब्लेस्ड हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का ही हमारा एक सपुत्र देवभूमि का आज केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी के रूप में, वो भी हमें एक बहुत बड़ा बूस्टर मिला है। हमने पैरालंपिक्स को भी और उसमें ऐड किया है और उसमें उसका आपने रिजल्ट देखा कि हमारा ऊना का एक नौजवान जो हाई जंप में जो सिल्वर मेडल लेकर आया, उसको हमने 1 करोड़ रुपये की अनाउंसमेंट की है प्लस अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये कभी पहला नहीं हुआ करता, ये एक नया पार्ट हमने जो है, इससे आपको लगेगा पता कि स्पोर्ट जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी वो बिल्कुल ओपन है। हमने इसमें 12 ज़िलों में 12 जो है सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस का काम करने पे भी फोकस दिया है। हमने वैसे रिलीज़ कर देनी थी पर अनुराग जी के मंत्री बनने के बाद हमने उसको रोका कि मैं लास्ट टाइम उससे डिस्कस करके आया था, उन्होंने कहा कि इस बार आप सारे अधिकारी अपने साथ लेकर आइएगा और वो भी अपने अधिकारी बुलाएंगे, हम सब साथ बैठ के व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर हिमाचल प्रदेश, वो हम अनुराग जी का मार्गदर्शन भी उसमें प्राप्त करेंगे।